हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीएटी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में डे 7 या पार्ट 7 के बारे में। इससे पहले मैंने 6 वीडियोस कंप्यूटर के परिचय का ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे आप जरूर देखिए। तो देखिए, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, कंप्यूटर के उपकरणों के बारे में। तो देखिए, आपको भी पता है कि हम जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे उपकरण होते हैं, जिनमें कुछ उपकरण इसेंशियल होते हैं, बेसिक होते हैं, जिन्हें हमें रखना ही होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे यंत्र होते हैं, उनकी अगर नीड है, आवश्यकता है, तो हमें उन्हें परचेज करके यूज करना होता है। तो हमारे जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट्स का अपना अपना अलग अलग एक टास्क है, एक फंक्शन है। तो कंपोनेंट्स के फंक्शनैलिटी के आधार पे भी उनका बंटवारा किया गया है। जैसे कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस बोला जाएगा, प्रिंटर को आउटपुट बोला जाएगा, पेन ड्राइव को स्टोरेज बोला जाएगा, मॉडेम को नेटवर्क बोला जाएगा, क्योंकि उनका रोल उससे रिलेटेड है। तो यहाँ आपका जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का, इन्हें मैंने 5 कैटेगरी में रखा हुआ है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस और सिस्टम यूनिट। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो पहले ये जाना जाए कि ये इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। तो देखिए, जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो आपके जो मटेरियल्स हैं, आपके जो डेटा है, आपके जो इंफॉर्मेशन है, आप जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना चाहते हो, उसे हमें कंप्यूटर में प्रवेश कराना होता है। तो जिन उपकरणों के सहयोग से हम अपने मटेरियल्स, हम अपने डेटा, हम अपने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के मेमोरी में पहुंचाते हैं, उन सारे डिवाइसेस को हम लोग इनपुट डिवाइस बोलेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा डेटा है, इसके भी बहुत सारे वैरायटीज हैं। जैसे आप कोई लेटर टाइप कर रहे हो, A to Z से लेके, 0 से लेके नंबर और सिंबल का प्रयोग कर रहे हो, तो ये एक डेटा है। इसे आप कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में डालोगे, पर अगर आप प्लान कर रहे हो कि मैं बोलूं और मेरा आवाज कंप्यूटर में जाए, तो वो कीबोर्ड नहीं करेगा। उसके लिए कोई एक अनदर डिवाइस जस्ट लाइक माइक यूज करोगे, और माइक से आप टाइपिंग का काम नहीं कर पाओगे। तो चूंकि डेटा पिक्चर के फॉर्म में भी है, वीडियो के फॉर्म में भी है, राइटिंग के फॉर्म में भी है, या बहुत सारे हैं, तो सबके लिए आंकड़ा कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए हमें एक यंत्र की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज इसेंशियली ए पीस ऑफ हार्डवेयर दैट सेंड्स डेटा टू ए कंप्यूटर। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर द माउस एंड द कीबोर्ड, बट देयर आर मेनी अदर्स। तो देखिए, हमारा जो इनपुट डिवाइस है, ये एक कंप्यूटर है का हार्डवेयर है, माने यंत्र है, जो आंकड़े को कंप्यूटर में पहुंचाता है। जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है इनपुट डिवाइस, उसमें आपका माउस और कीबोर्ड होता है, पर और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनकी चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में मैंने फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जो इनपुट डिवाइसेस यूज हो रहे हैं उनकी बात की है। जो पूर्व में इनपुट डिवाइस यूज हुए, जैसे पंच कार्ड थे, या पेपर टेप थे, या हमारा OMR था, MICR था, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो प्रेजेंट टाइम में हमारे डिवाइसेस इनपुट के यूज हो रहे हैं या होंगे, आप करोगे आवश्यकता पड़ने पे, उनकी बात होगी। तो कीबोर्ड है, माउस है, टच पैड है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, ग्राफिक टैबलेट है, टच स्क्रीन है, वेब कैम है, या और भी बहुत सारे डिवाइसेस हमारे इनपुट के कैटेगरी में आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो आप अपना अटेंडेंस देते हो, तो आप थंब लगाते हो, तो वो जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाला डिवाइस है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। आप आधार कार्ड बनाते हो तो आप अपने फेस का, फिंगर का स्कैनिंग कराते हो, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस में बहुत सारी वेराइटीज हैं, मगर हम लोग आज के वीडियो में इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इनमें बात कर लेते हैं कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड किसी पर्चे का मोहताज नहीं है, हम आप इसे यूज कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो कीबोर्ड आपको फिजिकली और वर्चुअली दोनों मिलता है, और अगर आप मोबाइल पे काम कर रहे हो तो वहां आप कीबोर्ड वर्चुअल पाते ही पाते हो। तो अगर आप
माउस, अगर आप मोबाइल पे काम कर रहे हो तो मोबाइल में अगर आप व्हाट्सएप वगैरह में चैटिंग के लिए आते हो तो एक वर्चुअल कीबोर्ड आता है और आप वहां टाइप करके अपने मैसेज को लिखते हो, तो वो एक कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस आपका होगा। बिफोर कीबोर्ड्स इंट्रैक्शन विद कंप्यूटर वाज जनरली कैरीड आउट यूजिंग पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप। माने जब हमारे पास कीबोर्ड नहीं थे तो ऐसे स्थिति में हम लोग पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग करते थे। तो कीबोर्ड जो होगा ये जस्ट लाइक ऐसा दिखाई पड़ता है, ये आपका फंक्शन की है, ये आपका अल्फाबेट न्यूमेरिक और सिंबल माने मेन एरिया है, ये नम पैड एरिया है, ये नेविगेशन कीज होते हैं और कुछ कंट्रोलिंग कीज होते हैं जिन्हें हम लोग यूज करते हैं। अगर आप कीबोर्ड के बारे में प्रत्येक कीज का नॉलेज चाहते हो तो मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल में बनाया हुआ है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे देखिए। तो उसमें मैंने एक एक की को इम्प्लीमेंट किया है कि उसका क्या यूज होता है। जितने भी इंग्लिश के कीबोर्ड आते हैं वो जिस लेआउट प्रारूप को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्वैटरी, QWERTY। तो मोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज कीबोर्ड्स यूज द क्वैटरी लेआउट फॉर द अल्फाबेटिक कीज विच आर सराउंडेड विद नंबर सिंबल फंक्शन एंड अदर टाइप्स। बाई प्रेसिंग द रिलेवेंट कीज ए यूजर कैन फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। तो आपका जो कीबोर्ड होता है उसमें आपको बहुत सारे कीज मिलते हैं, उन की के ऊपर एक लेबल होता है और उस लेबल पे लिखा होता है कि इसे प्रेस करने से क्या आपके कंप्यूटर में जाएगा। तो जैसे आपने ए प्रेस किया तो एक जाएगा, वन प्रेस किया तो वन जाएगा, ये एक लेबल के फॉर्म में प्रत्येक कीज पे लिखा हुआ होता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि ये क्वैटरी क्या है। तो क्वैटरी अंग्रेजी का मानक कीबोर्ड है। इसका क्वैटरी नाम कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली पंक्ति के पहले 6 वर्णों QWERTY यानी QW आपका ERTY, ये जो 6 कीज है ये आपका पहला जो 6 कीज होता है इसी के नाम पे पड़ा है। इसको पहले टाइपराइटर के कीबोर्ड में इस्तेमाल किया जाता था और उसे ही बाद में अडाप्ट कर लिया गया हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में। तो ये हमारा कीबोर्ड आता है। दूसरा आपका माउस है। तो माउस भी प्रेजेंट टाइम में एक इसेंशियल इनपुट डिवाइस है। इसका काम ये होता है कि जैसे मैं यहाँ अपने माउस को घुमा रहा हूँ तो आपको एरो का स्क्रीन दिख रहा है और मैं जिस पर्टिकुलर एरिया को आपको हाईलाइट कराना चाहता हूँ वहाँ मैं इस पॉइंटर को घुमा रहा हूँ। तो स्पेशली माउस का रोल होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑप्शंस को या आइटम को सेलेक्ट करना हो या फ्री हैंड कोई ड्राइंग करना हो तो उस वास्ते हम लोग माउस का प्रयोग करते हैं। ए माउस इंटरेक्ट्स विथ ए कंप्यूटर थ्रू ए प्रोसेस नोन एज पॉइंट एंड क्लिक। इसेंशली व्हेन ए यूजर मूव्स द माउस ऑन द माउस पैड द पॉइंटर मूव्स इन ए करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन ऑन द कंप्यूटर्स मॉनिटर स्क्रीन। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर माउस हैव टू बटन्स फॉर क्लिकिंग एंड ए व्हील इन द मिडिल फॉर स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन डॉक्यूमेंट्स एंड वेब पेजेस। तो जो माउस है ये स्पेशली जिस क्रिया पे काम करता है वो पॉइंट एंड क्लिक होगा और जब आप माउस को किसी सरफेस पे मूव करते हैं तो एक उसके रिलेटेड पॉइंटर दिखता है तो वो उसी अकॉर्डिंग मूव होता है। नॉर्मली माउस में आपको 2 बटन मिलेंगे, एक लेफ्ट और राइट, और बीच में एक व्हील मिलता है जो पेज को स्क्रॉल करने के लिए यूज किया जाता है अप एंड डाउन। फिर हम लोग बात कर लेते हैं टच पैड का। तो देखिए जो टच पैड होगा ये स्पेशली लैपटॉप वगैरह में यूज किया जाता है, इसको हम लोग ट्रैक पैड या टच पैड के नाम से भी जानेंगे। तो आल्सो नोन एज ए ट्रैक पैड ए टच पैड इज ए कॉमन सब्स्टिट्यूट फॉर ए कंप्यूटर माउस, यानी जो माउस का रोल होता है उसी का ये अल्टरनेट है। इट इज एसेंशियली ए स्पेशलाइज्ड सरफेस दैट कैन डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द यूजर फिंगर। माने यहाँ एक ऐसा सतह होता है जिसपे कोई एक विशेष टेक्नोलॉजी होती है, जब हम अपने फिंगर को उस पर मूव करते हैं तो उसको वह सेंस कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा माउस का पॉइंटर मूव करता है। टच पैड को सबसे पहले 1990 में लैपटॉप में स्टार्ट किया। एक अगला इनपुट डिवाइस आएगा स्कैनर। आप प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म वगैरह भरते हो तो आप इसका यूज होते हुए देखते हो। स्कैनर का काम होता है कि कोई पेपर है और उस पेपर पे वाट एवर जो भी चीज है, राइटिंग, फोटो, सिग्नेचर, थंब, एज इट इज उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में प्रवेश कर देता है और फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसे आप सेव करके जब चाहे यूज में ला सकते हैं।
तो ए स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूजेस ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, या ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है टू ट्रांसफर इमेज इनटू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपके इमेज को ट्रांसफर करने के लिए, इमेज मतलब जो उस पेपर हार्ड पेपर पे है, वेयर द सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल इमेज। द डिजिटल इमेज कैन देन बी व्यूड ऑन मॉनिटर स्क्रीन, सेव, एडिटेड, ईमेल्ड और प्रिंटेड। तो ओवरऑल स्कैनर का काम है कि इसके जरिए जो भी एक हार्ड पेपर पे कोई इमेज है उसे एज इट इज कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराना। अब एक आता है डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा आपको यहाँ फिगर भी बना के मैं दिखा रहा हूँ। इसका काम होता है कि ये कोई फोटोग्राफ्स है या वीडियोज है उसको ये कैप्चर करता है, और ये कंप्यूटर से कंटिन्यूसली अटैच नहीं होता है, ये एक इंडिपेंडेंट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। आप कहीं घूमने गए हो, शादी है, फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो आप जो भी इससे फोटो लोगे या वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो इसके पास खुद की एक मेमोरी होती है, फ्लैश या चिप लगी होती है, उसमें आपके फोटो वीडियो रिकॉर्ड हो आते हैं। फिर आप भविष्य में जब चाहें उस चिप को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगा के अपने फोटोज और वीडियोज को अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको जिस भी काम में चाहें यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल कैमरा जो होगा इसका काम होता है फोटोग्राफ्स और वीडियो को कैप्चर करना इंडिपेंडेंटली। लेटर दीज फोटोज एंड वीडियो फाइल्स कैन बी ट्रांसफर। बाद में आप इसे कंप्यूटर से जोड़ के अपने वीडियोज और फोटो को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें एक स्लॉट होता है जिसमें चिप लगा होता है और डेटा हमारा उसी में ही स्टोर हुआ है। तो ये आपका डिजिटल कैमरा है। माइक्रोफोन, जैसे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरा वॉयस भी मेरे स्क्रीन के वीडियो के साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसके लिए मैं माइक का प्रयोग कर रहा हूँ। तो माइक्रोफोन का स्पेशली यूज किया जाता है अपने आवाज को कंप्यूटर के मेमोरी में प्रवेश कराने के लिए, और ये साउंड जो मैं बोल रहा हूँ ये कंप्यूटर में जाए और उसे किसी एक रिलेवेंट टास्क में मैं यूज कर सकता हूँ। स्पेशली जो लोग चैटिंग वगैरह भी करते हैं या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ इसकी नीड बहुत होती है। तो माइक्रोफोन के नाम से ही पता लग रहा है कि इसका रोल क्या होगा। एक होता है जॉयस्टिक। तो जो जॉयस्टिक है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये स्पेशली यूज किया जाता है गेम कंट्रोलिंग के लिए। तो अगर आप कोई कंप्यूटर वीडियो गेम खेल रहे हो और उनमें जो पात्र हैं, चरित्र हैं, उनको नियंत्रित करना हो तो उसके लिए जस्ट ऐसा लुक का एक डिवाइस आता है जिसे हम लोग जॉयस्टिक बोलते हैं। जॉयस्टिक का काम क्या है? तो जॉयस्टिक आर कॉमनली यूज टू कंट्रोल कैरेक्टर्स एंड व्हीकल्स इन कंप्यूटर वीडियो गेम। माने कोई चरित्र है या कोई कार या मोटर बाइक है उसके व्हीकल का नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए जॉयस्टिक इज ए हैंडल, माने हाथ से प्रयोग करने वाला ये यंत्र है, इसलिए हैंडल डिवाइस के नाम से भी जाना आता है। मेनी वीडियो गेमिंग जॉयस्टिक फीचर्स ट्रिगर्स एंड बटन दैट कैन बी प्रेस्ड टू यूज वेपन्स और प्रोजेक्टाइज इन गेम। माने कोई अगर फायर वगैरह करना है तो इसके माध्यम से आप करोगे। तो ओवरऑल ये गेम कंट्रोलिंग के लिए आता है। ग्राफिक टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट को डिजिटर्स के नाम से भी जानेंगे। ये एक इनपुट डिवाइस होता है। तो इस इनपुट डिवाइस को अगर आप देखो तो इसमें दो डिवाइस है, एक पैड के नुमा ऐसा मिलता है जो स्पेशल फ्लैट सरफेस होगा, और एक आपको पेन मिलता है जो पेन इस पे आप ड्रा करोगे तो वो कंप्यूटर में स्कैन होके जाता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने आरटीओ ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पर आपका फोटोग्राफी होता है और आपका थंब का स्कैनिंग होता है, साथ साथ आपसे बोला जाता है कि सिग्नेचर करिए आप। तो होता क्या है कि वहाँ ये ग्राफिक टैबलेट रखा होता है और आप इस पेन से इसी टैबलेट पे सिग्नेचर करेंगे तो वो एज इट इज कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो आता है। तो अगर कोई चीज डायरेक्ट पेन से मैं राइटिंग करूं और वो एज इट इज कंप्यूटर के अंदर प्रवेश हो तो उसके लिए ग्राफिक टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। टच स्क्रीन, इससे आप वाकिफ है ही हो भाई, मोबाइल यूज कर रहे हो तो उसमें टच स्क्रीन है, और हमारे कुछ मॉनिटर भी आते हैं जो टच स्क्रीन होते हैं, तो उसमें हम डायरेक्टली टच करके अपने आइकन को, अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका प्रचलन आपको 100% मोबाइल में दिखेगा, या और भी बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस वगैरह भी आते हैं, या हमारा माइक्रो ओवन वगैरह भी आता है उसमें टच स्क्रीन होता है, या आप इंडक्शन आता है उसमें भी आपको टच स्क्रीन मिल जाता है। तो आप अपनी बातों को इनपुट कराने के लिए स्क्रीन पे डायरेक्ट फिंगर को टच करते हैं और वो
मटेरियल्स कंप्यूटर के अंदर इनपुट आता है तो वो टच स्क्रीन के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स अगला जो हमारा डिवाइस है वो वेब कैम है। तो वेब कैम जो होगा वो डिजिटल कैमरा से डिफर होगा। डिजिटल कैमरा और वेब कैम का फंक्शन एक ही है, वीडियो और फोटो को कैप्चर करना, मगर दोनों में अंतर ये है कि विदाउट कंप्यूटर वेब कैम प्रयोग में नहीं आएगा। मस्ट है कि ये कंटिन्यू हमारे कंप्यूटर से अटैच हो। वहीं वेब कैम के अलावा डिजिटल कैमरा जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ये अंतर होता है पहला। दूसरा, अगर क्वालिटी और गुणवत्ता की बात की जाए तो वेब कैम का फोटोग्राफ या वीडियोस उतने रिच श्रेणी के नहीं होते हैं जितने हमारे डिजिटल कैमरे के होते हैं। तो स्पेशली वेब कैमरा आपके लैपटॉप में इनबिल्ड होता है या एक्सटर्नल भी आता है, और आप इंटरनेट में चैटिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम वेब कैमरे को यूज होते हुए देखेंगे। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो आज के क्लास में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में कवर कराया है। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आगे के जो डिवाइस हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे, ऐसे आउटपुट डिवाइस वगैरह है आगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। आपका दिन